जनता की सेवा के लिए। एक विकसित मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश का ही हो जाता है तब बुलडोजर भी चलेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन समारोह में प्रदेश के 78,641 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप क्रय करने के लिए 25,000 की राशि उनके खातों में सिंगल क्लिक से अंतरित की। कार्यक्रम में सीएम श्री चौहान ने कहा कि मेरी बेटियों पहले दूसरे गांव में 8वीं के बाद बेटियां पढ़ने नहीं जाती थी क्योंकि दूसरे गांव जाना हो तो मम्मी पापा पैदल नहीं जाने देते थे। इसलिए जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने फैसला किया कि दूसरे गांव अगर बेटियां पढ़ने जाएंगी तो उन्हें साइकिल दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन समारोह में अगले साल से सभी टॉपर बच्चों को स्कूटी दी जाएगी और लैपटॉप देने की योजना एमपी बोर्ड के साथ ही सीबीएसई बोर्ड में भी लागू होगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 38 से 40 करोड़ की लागत से सीएम राइज स्कूल भवन बनाए जा रहे हैं। स्कूलों में स्मार्ट क्लास, लैब, लाइब्रेरी और प्लेग्राउंड समेत अन्य आधुनिक सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास पर्व के अवसर पर उज्जैन जिले के नागदा में आयोजित जन दर्शन कार्यक्रम में सहभागिता की। इस दौरान मुख्यमंत्री जी की एक झलक पाने के लिए नागरिक आतुर थे। उन्होंने अपने लाडले मुख्यमंत्री जी पर पुष्प वर्षा की। नागदा में आयोजित विकास पर्व में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज नागदा की सड़कों पर नागदा की जनता ने अभूतपूर्व स्वागत किया है। नागदा वासियों की भावनाओं के अनुरूप हम फैसला कर रहे हैं कि नागदा को जिला बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए कहा कि उन्हेल को तहसील बनाया जाएगा। उन्हेल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। कन्या महाविद्यालय में कॉमर्स की कक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी। सीएम राइज स्कूल भी खोला जाएगा। नागदा में नर्मदा मैया का पानी लाया जाएगा। अपने प्रतिदिन पौधरोपण के संकल्प क्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में आम, खिड़नी और गुलमोहर के पौधे रोपे।